अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना स्क्रेली। दोस्तों यहां पर पबजी टेस्ट करने लगे हम। यहां पर शाओमी का 14T प्रो जो कि आपको 120 FPS पबजी प्रोवाइड करेगा। यहां पर देख सकते हैं कि पबजी में कितना सर्वाइव करता है, बैटरी कितनी ड्रेन होती है, सारा कुछ आपको दिखाते हैं। हीट कितना टेस्ट होता है, हीट भी टेस्ट करेंगे। यहां पर शाओमी 14T प्रो के पाकिस्तान में प्राइस 2,30,000 रुपये, 12GB 512GB वाला वेरियंट है। प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है डायमेंसिटी का, यहाँ पर 9300 प्लस वाला 4 नैनोमीटर वाला। यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 120 वोल्ट की चार्जिंग है। हमने देखना है कि क्या सिस्टम रहता है। यहाँ पर LCD जो है वो एक AMOLED पैनल दिया गया दोस्तों, जो कि 1.5K वाला है, 144Hz वाला। तो यहाँ पर हिसाब किताब हम लगाएंगे कि क्या सिस्टम है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई 99% इस वक्त बैटरी रिमेनिंग है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 99%, देखते हैं कितना बैटरी का खर्चा होता है। हीट की बात करें तो कमरे का टेम्परेचर 34 है, फ़ोन 36, बैक साइड से 36 है और स्क्रीन साइड से 36.7 और 36.9 है इस वक्त। और अगर हम बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो बेंचमार्क स्कोर इस वक्त 18,72,000 है दोस्तों, जो कि हमने टेस्ट किए हैं दोस्तों। दोस्तों जायरोस्कोप का तो डेफिनेटली ऑप्शन होने ही वाला है इसमें, और हम थोड़ा सा चेक भी करेंगे जायरो को। और 120 FPS में यहाँ पर अल्ट्रा एक्सट्रीम पबजी हम टेस्ट कर सकते हैं। 120 FPS में डायरेक्टली हम प्ले करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों तकरीबन 2 मिनट हमने प्ले कर लिए, और अगर जायरो देखिए आप, डिले बिल्कुल भी नहीं है। देखिए डिले यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलता। हम जायरो के साथ वैसे प्ले नहीं करते, बट आपको दिखाने के लिए ये देख सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पर हो रहा है दोस्तों प्ले। एंड अगर सिस्टम लगाएं हिसाब किताब तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ग्रास का कलर भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ग्राफिक्स वगैरह 120 FPS पर मज़ेदार हैं दोस्तों। बट यहाँ पर स्मूथनेस, टच रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। बट अगर देखिए तो सारी चीज़ें दोस्तों, स्कोप वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी अच्छी है फ़िलहाल 120 FPS में। हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सी ऑन करेंगे 5 मिनट बाद, फिर देखेंगे भैया क्या सिस्टम है।
यहाँ पर दोस्तों पबजी टेस्ट हो गया है कंप्लीट। और पबजी में अगर देखें तो आपको ब्राइटनेस एक मिनट में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। पबजी यहाँ पर तकरीबन हमने 24 मिनट प्ले की है और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो करीब करीब हमने 16.5 मिनट यहाँ पर प्ले किए, देख सकते हैं, देख सकते हैं तकरीबन 16.5 मिनट। अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है दोस्तों 17 मिनट हो चुके हैं, तो ये हम बंद कर देते हैं 17 मिनट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले। और हम आपको सबसे पहले हीट टेस्ट दिखाते हैं। यहाँ पर कमरे का टेम्परेचर जो है 32.8 है और फ़ोन 40, अब साइड से भी 40 है भाई, बहुत गर्म हो चुका है फ़ोन, लेकिन लैग की प्रॉब्लम नहीं मिली। यहाँ पर देख सकते हैं 42.7। और बैटरी इस वक्त देख सकते हैं कि बैटरी कितनी रिमेनिंग है, तो बैटरी देखें तो पहले थी 99%, यहाँ पर अब है 90% दोस्तों, 9% बैटरी का खर्चा हो गया है 24 मिनट में, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि फ़ोन हीटअप भी हो चुका है और इतना खर्चा नहीं होना चाहिए फोन टाइमिंग में, क्योंकि फ़ोन जो है काफ़ी हीटअप हो चुका है दोस्तों। ये मेटल और ग्लास का मिक्सअप है, लेकिन फ़ोन ओवर हीट हो चुका है फ़ोन इस वक्त फ़िलहाल के मैं टाइम पर अगर बताऊँ दोस्तों तो। बहरहाल भाई परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 120 FPS के साथ बहुत ज़बरदस्त प्ले हुई दोस्तों, और गेमिंग में तगड़ा ये फ़ोन, वैसे काबिले तारीफ़ है। और इसके अलावा अगर स्कोप की बात करें, जायरो की बात करें, परफेक्ट काम कर रहा था, अच्छे से काम कर रहा था। तो गेमिंग के लिए वैसे 2,30,000 रुपये बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है, अगर जस्ट गेमिंग ही करनी है आपने तो वन प्लस के फ़ोन ख़रीद सकते हैं भाई, नॉन PTA वगैरह हैं, पैच वगैरह मिलते हैं। बट इस फ़ोन की तरफ, बॉक्स पैक की तरफ, फ़ोन की तरफ जाना चाहें तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, वैसे बहुत ज़्यादा प्राइस, बट गेमिंग के मामले में अच्छा रहा, ठीक रहा। अब आपको कैसा लगा ये फ़ोन, कैसे लगा ये गेमिंग टेस्ट, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।